और आज मैं दोबारा खेलने वाला हूँ कार सेल्स सिमुलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मेरे पास है बहुत पैसा, क्योंकि मैंने बीच में कलेक्ट किया था थोड़ा पैसा, और जिससे कि मैं एक बहुत ही अच्छा कार खरीद सकता हूँ। पिछले वाले वीडियो में मैंने ट्राई किया था एक बहुत ही बढ़िया कार खरीदने के लिए, लेकिन मैं उस पर नाकामयाब रहा। लेकिन आज मैं किसी भी हाल में एक तगड़ा कार खरीद के रहूंगा, आई प्रॉमिस, लेट्स गो। फिलहाल हमारे शोरूम में यहाँ पर बहुत ही तगड़े दो दो कार है, और जिनको हमको बेच के बहुत ही सारा पैसा कमाना है। तो वेट करते हैं कस्टमर के लिए, कस्टमर कहाँ से आएंगे भाई। यहाँ पर पहले इसको तो ओपन तो कर लूँ। ओके, यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है अपना ऑफिस, और देखते हैं अभी वेट करते हैं कस्टमर आने के लिए। हमको चाहिए बहुत सारा पैसा, जिसके मदद से मेरे को बहुत सारा तगड़ा कार खरीदना है। जैसे कि और एक चीज मैं तो बताना ही भूल गया भाई, इस गेम में एक ऑप्शन है जहाँ पर हम ड्रैग रेस कर सकते हैं, जिसके मतलब दो टाइप का है। एक है, फिलहाल कस्टमर आ रहे, रुको रुको रुको, बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं भाई। कौन आया था पहले, ये वाला भाई, सीरियल वाइज कोई आगा पीछे नहीं करेगा। ओ भाई साहब, इसका प्राइस इतना रखा मैंने, 8000 रखा है, जो दे रहा है 10,000 दे रहा है ना। चलो भाई चलो, सही 10,000 दिया था उस बंदे ने, बढ़िया भाई, क्या भाई क्या ही फायदा, पूरा फायदा। यहाँ पर मैंने इसको 5,000 या कुछ समथिंग खरीदा था, लेकिन भाई 10,000 में मिल रहा है, बढ़िया है। ओ, मैं बोल रहा था कि ड्रैग रेस दो तरह का है। एक है कि आप अगर सेम गाड़ी लेके जाओगे और उसके साथ ड्रैग रेस करोगे, तो अगर जो जीता तो मेरा गाड़ी उसको देना पड़ेगा, और अगर मैं जीत गया तो उसका गाड़ी मेरे को मिल जाएगा। या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाड़ी के साथ मैं रेस कर सकता हूँ, जिसमें कि बेट लगेगा $1,600, 2,000, 2,200 या उससे की ऊपर, मतलब डॉलर का पैसा का बेट लगेगा। फिलहाल देखते हैं और कोई कस्टमर आया नहीं आ रहा भाई। तो एक तो भाई चीज मैंने किया, आज है फ्राइडे और रात होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना पहले जाकर सो जाए, क्योंकि कल सुबह सुबह जब कस्टमर आएंगे तो अच्छा सेल होगा। फिलहाल भाई बोनिंग करने के लिए कोई तो चाहिए ना गाड़ी, तो यहाँ पर हम चलते हैं कंटेनर में, यहाँ पर जाकर सो जाते। अगर वो गाड़ी जो कि मैंने रखा है 13,000 या समथिंग कुछ, वो अगर इतने में बिक जाए तो हमारे पास हो जाएगा $20,000 से भी ऊपर, जिससे कि मैं एक आई थिंक बढ़िया कार ले सकता हूँ। देखेंगे यहाँ पर 21,540 क्या भाई लिखा है। ओ, मैंने जो पिछले वाले मतलब जब मैं वीडियो ऑन नहीं किया था तब थोड़ा खेला था, जिससे कि मैंने अर्न किया था। और ऑक्शन ऑन ओपन बाय टुडे, ओके 4 बजे ऑक्शन होगा, जो कि मैं ट्राई करूंगा विजिट करने के लिए। अगर मेरे पास 20,000 से ऊपर हो गया तो मैं ऑक्शन में जाऊंगा, क्योंकि भाई वहां पर जाके ट्राई करूंगा कुछ ले सकते तो भाई बढ़िया, नहीं तो कोई नहीं। फिलहाल यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फिर से ऑफिस में, और डेली भाई कौन हमारे यहाँ पर जाके भाई ये कचरा फैला के चला जाता है, मेरे को पता नहीं चलता। शर्ट यार कितने गंदे लोग है यहाँ पर, बाद में बोलते भाई इंडिया है चलता है क्या यार। तो यहाँ पर मैंने अपने कर दिया है शोरूम को पूरी तरीके से क्लीन, और ओपन भी कर लिया है। अभी देखते हैं यहाँ पर गाड़ी खरीदने कोई आता है। ओ भाई साहब, गाड़ी कौन खरीदने आएगा, मैंने इसको भाई सेल पे ही नहीं लगाया, मैं सोच रहा हूँ गाड़ी खरीदने कोई आ ही नहीं रहा। शेट यार क्या ही बुद्धू हूँ मैं यार, डम। यहाँ पर टोटल हमारा 10,000 का गाड़ी है, जो कि मैं यहाँ पर सेल करने लगाऊंगा 13,299। देखते हैं अगर कोई खरीद लिया, 13,299 देखते कोई आता है या नहीं। फिलहाल ऑक्शन के लिए हमको जाना है, कहाँ पर, साइड में ही ऑक्शन है। पहले ऑक्शन में हम टिकट नहीं करेंगे, एक टिकट का प्राइस आई थिंक $500 कुछ समथिंग है। ओ कस्टमर कस्टमर कस्टमर, देखो भाई भाई मैंने उससे पहले भाई लगाया ही नहीं भाई, यहाँ पर सेल पे, और मैं सोचा कस्टमर आने क्यों नहीं था। यहाँ पर एक कस्टमर आया जो कि प्राइस देखते भाई, गाड़ी तो डैमेज है, मतलब जितना नहीं 13% डैमेज है। यहाँ पर ये कितना डॉलर दे रहा है, $0, क्या बोला है भाई। अभी ये पहली बार मैं देख रहा भाई, $0 कैसे हो गया यार, क्या वो बंदा क्या बोल के चला गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया भाई। वो बंदा आके क्या बोल रहा है, समझ रहा है कि मेरे को ये गाड़ी अच्छा लगा, आप अगर मेरे उसको ये दे, ओ फूट, अरे फिर से मैं सेल पे लगाता हूँ, चलो चलो फिर से लगाया, देखते जो ये होता है या नहीं। और अभी भाई 9:25-26 हो रहा है, जो कि भाई देखते हैं ऑक्शन का टाइम अब 4 है, मतलब बहुत ही देर है। फिलहाल मैं भाई अपनी नेबर रूट में जाना चाहता था, लेकिन भाई ये गाड़ी सेल ही नहीं हो रहा और मैं जा ही नहीं पा रहा, मतलब बीच में स्टक हो चुका हूँ। फिलहाल एक काम करते हैं भाई, चलो नेबर रूट, जो होगा देखा जाए, कस्टमर आएगा तो आएगा भाई, नहीं तो नहीं। फिलहाल देखते हैं नेबर रूट में और एक बढ़िया गाड़ी मिलता है या नहीं। नेबर रूट में आजकल गाड़ियां नहीं मिलता, वो पिछले वाले जो मैंने दो गाड़ी खरीदा है वो भी मैंने भाई कार मार्केट से खरीदा है। एक भाई कितना था मेरे पास, 16,000 आई थिंक था, 16,000 में दोनों गाड़ी हो गया। इस गाड़ी का प्राइस है $6,000,
जो कि मैं खरीद लूंगा आई थिंक पहली बार आके भाई देखते 5000 सीधा लगाता हूँ, देखते देता है या नहीं, दे दे नहीं दे रहा है, 6000 है ना। तो चलो ये देखो, मैं ज़्यादा कम नहीं करेगा, 5810 ये लो 10110 बोल, नहीं भाई बाई कर लो, ज़्यादा भाई दिखा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है क्या। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, इसको लेके चलो शोरूम। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, बता रहा है कि भाई ये खरीद नहीं सकता क्या, अंबानी मेरे यहाँ पर समझ लो। अभी फिलहाल इसको लेके चलते हैं शोरूम पे, गाड़ी में जितना होगा उतना भाई कस्टमर आएंगे हमारे यहाँ पर खरीदने के लिए। फिलहाल हमारा घर कहाँ पर है वो मेरे को पता नहीं, वो घर का रास्ता भी कहाँ पर है वो भी नहीं पता मेरे को, आई थिंक यहाँ से कहीं पर तो है। भाई क्या पूरा सल्लू भाई इंस्टीट्यूट से भैया आया हुआ, यहाँ पर क्या भाई तगड़ा ड्रिफ्ट, गाड़ी से उतर गया वो तगड़ा ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। ओके ये आंटी जी आई है हमारे गाड़ी लेने, और ये हमको बोल रहे, अरे ये $0 क्यों बोल रहे हैं मेरे को कुछ भाई भाड़े में जाए, मैं इसको कर रहा हूँ सेल, पैसा आए ना आए जो पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। भाई मेरे पास पैसा आना था नहीं आया, कोई नहीं। देखो भाई ये भाई क्या चीज है मेरे को कुछ समझ नहीं आया, $0 $0 बता रहा है क्या। अबे कहाँ गया कार, शर्ट यार वहां पर रिपेयरिंग के लिए चला गया। चलो भाई इसको एक बार रिपेयरिंग भी कर लेते हैं, मेरा $10,000 का लॉस हो चुका है, मैं आया था यहाँ पर तगड़ा गाड़ी खरीदने, मेरा मोह मोह हो चुका है यहाँ पर, ये गाड़ी लगा दिया मैंने रिपेयरिंग के लिए। अभी ऑक्शन स्टार्ट होने में अभी भी 4 घंटा बाकी है, फिलहाल इस 4 घंटे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भाई यहाँ पर हम देखते हैं हमारा गाड़ी रिपेयर होने में कितना दर्द बचा है। ओके गाड़ी रिपेयर होने में अभी एक पोर्शन बचा है जो कि ठीक हो जाएगा, और मेरा 10,000 का लॉस हो चुका है, इसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। आपको अगर जाहिर नहीं हो रहा तो मैं बता दूं कि मेरे आंखों से आंसू बस टपक नहीं पा रहे हैं, फिलहाल मेरे को पता नहीं किस लिए लॉस हुआ, मैं क्यों भाई उस गाड़ी को ऐसे जाने दिया, क्या भाई क्या, मैं इतना बड़ा दिल होना जरूरी नहीं था भाई। ओके यहाँ पर हमारा गाड़ी हो चुका है ठीक, जो कि हम गाड़ी को स्टार्ट, अरे 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 गाड़ी में चलो, गाड़ी सीधा लेके चलो पार्किंग में, अरे ब्रेक तो कर लो भाई, चलो ऐसे अभी अभी ठीक करा कर आया भाई। अबे क्या कर रहा हूँ भाई गाड़ी, शिट यार चलो भाई गाड़ी रखना जरूरी है बच बीच में, और कोई नहीं। इसको गाड़ी में जितने कितने खरीदा था अभी देख लेते, जो भाई इसको भाई पूरा वसूलेंगे इसका पैसा, 6700 ऊपर से मतलब 7800 8000 और टोटल पकड़ लो, और मैं इसको बेचूंगा 10,000 और 10,199, देखते हैं कोई खरीदता है तो खरीद लो, नहीं तो भाई बाहर में जाओ। फिलहाल ऑक्शन स्टार्ट होने में अभी भी 2 घंटे बचे हैं, भाई ऑक्शन में क्या आ रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है ऐसा, तो इस भाई घड़ी का टाइम भाई मिनट भाई घंटे के हिसाब से जाता है, और क्या भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आया, मैं चूतिया हो चुका हूँ एक बताऊँ तो। यहाँ पर भाई मेरा 10,000 का लॉस हुआ है ना, उससे क्या बताऊँ, पूरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं इस गेम की अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अबे कस्टमर आ जाओ ना यार, कोई तो आ जाओ, छोड़ो यार मैं चला ऑक्शन में, जो होगा देखा जाएगा, ऑक्शन 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 मैं आया। अबे ये भागने वाला इमोजी ये बटन ऑप्शन है, मतलब ये भाग कैसे नॉर्मल ऐसे, ओ अभी भागता है, मतलब ये भागता भी है आज पता चला मेरे को। ओके यहाँ पर ऑक्शन में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और मैं टिकट बिना खरीद के अंदर जा सकता हूँ क्या, चुपके हाँ मैं चुपके अंदर जा सकता हूँ, टिकट नहीं खरीदा यहाँ पर। ओके नहीं बैठूंगा भाई, मेरे को बैठ के देखना ही नहीं, मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कौन सा ऑप्शन हो रहा है क्या नहीं, मेरे को बैठने का जरूरत ही नहीं, ये लोग समझ रहे हैं कि मैं बैठूंगा यहाँ पर आके, नहीं बैठूंगा, क्या कर लोगे। कार ऑप्शन स्टार्ट हो जा भाई, टिकट भी खरीद लिया, कितने का नहीं पता पर टिकट खरीद लिया। ओके वन लेट्स गो, यहाँ पर ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है, और पहला गाड़ी आया है सुप्रा, और सुप्रा का प्राइस है यहाँ पर कितना, बेटिंग शुरू हो चुका है, मतलब 1,32,279 डॉलर, जो कि हमारे औकात से बहुत ही ज्यादा ऊपर है, जो कि हम नहीं खरीदेंगे, और सुप्रा का प्राइस वाकई बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही भाई, ओ भाई क्या ही भाई, ऑक्शन पे ऑक्शन ऑक्शन में ऑक्शन, तो मतलब क्या ही भाई पैसा लग रहा है, सुप्रा का डिमांड तो भाई बहुत ही बढ़िया है।
आज पहला गाड़ी सुपरा आया, देखते हैं चार नंबर गाड़ी क्या आता है, क्या ही तगड़ा आ जाएगा। निशान जीटीआर आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या तो बुगाड़ी शेरोन आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ओके यहाँ पर छोड़ो भाई, हमारे घर में कस्टमर क्यों नहीं आ रहा ये देखते, ऑक्शन में हमारा कोई फायदा नहीं। पहला गाड़ी भाई 1 लाख से ऊपर आ रहा है, मेरे बैंक बैलेंस यहाँ पर 3000 से ऊपर नहीं जा रहा है, और ये भाई 1 लाख से ऊपर बात कर रहे। तो फिर से रिमूव करके सेल पे लगाता हूँ, रिमूव वोट ऑन सेल, अबे कितने में लगाया है। ओके ये तो लगा दो, रिमूव। ओके अब जितना हुआ देखा जाएगा। हाँ सेल पे लगा दिया मैंने, अभी देखते कोई कस्टमर आता है या नहीं। तो भाई बहुत समय गुजर गए, कस्टमर एक भी नहीं आ रहा। आई थिंक इस गेम में कुछ ग्लिच हो चुका है, जिसके कारण मैं इस गेम को यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैंने 10,000 भी लॉस कर लिया है, जिसके कारण तो भाई मैं अभी इस गेम को आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं क्या सोचते थे, नहीं करूंगा, लेकिन अभी तो नहीं फिलहाल। और आई होप आप लोग के वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, उससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आएगा। मैं मिलता हूँ इस नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।